हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैंने ये सटल मेकअप लुक क्रिएट किया है जिसे आप डे टाइम में या फिर किसी भी आउटफिट के साथ पेयर कर सकते हैं एक लाइट मेकअप लुक के लिए। सो इफ यू वांट टू सी हाउ आई अचीव दिस लुक देन लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट आई एम गोना यूज द NY बेस्ड स्ट्रोब क्रीम इन द शेड गोल्ड सफायर एंड मैं इसे अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देन आई एम यूजिंग पॉन्स बीबी क्रीम इन द शेड आइवरी एंड इसे मैं पूरे फेस पे डॉटिंग मोशन में अप्लाई कर लूँगी अपने फेस और नेक दोनों पे। देन आई एम गोना यूज़ अ ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड दिस। ये वेट ब्यूटी ब्लेंडर है, आप जब भी फाउंडेशन कंसीलर या बीबी क्रीम ब्लेंड करें तो उसे एक वेट स्पॉन्ज से ही ब्लेंड करें, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट एब्जॉर्ब करता है एंड वेट स्पॉन्ज से ब्लेंड करने से बहुत सीमलेसली ब्लेंड होता है, प्लस ये आपकी स्किन पे हार्श भी नहीं होता। देन मैं लव अर्थ का मल्टी पॉट यूज़ कर रही हूँ इन द शेड बी द चेंज। ये लिप चीक एंड आई टेंट है। सो इसे मैं एक फ्लैट आई शेडो ब्रश के हेल्प से अपनी पूरी आईलेट पे प्लेस कर लूँगी। सो पहले मैं डॉटिंग मोशन में पिगमेंट को लगा रही हूँ एंड देन स्वाइप करके उसे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। आपको जितनी कलर इंटेंसिटी चाहिए उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट लेकर के एंड उसे अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग ब्रश नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं डिफ्यूज़ करना था, मुझे बस थोड़ा सा पिगमेंट चाहिए था, तो उस हिसाब से मैं अपने दोनों आईलिड्स पर इस कलर को प्लेस कर रही हूँ। एंड इंश्योर कीजिए कि आप इसे अपने क्रीज लाइन के बाहर नहीं ले जाएं। सो मेरी जहाँ पे भी क्रीज है मैं वहीं तक पिगमेंट को रख रही हूँ, उसके ऊपर नहीं ले जा रही हूँ, बिकॉज ये यही शेड है जो मैं अपने आईलिड्स पे यूज़ करूँगी एंड इसके अलावा मैंने और कोई शेड नहीं यूज़ किया है। सो सिंगल आई शेडो रहेगा ये, उससे ही थोड़ा सा मैं अपने लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई कर ले रही हूँ। देन मैं सेम शेड अपने चीक्स पे अप्लाई कर ले रही हूँ उसी आई शेडो ब्रश से डॉटिंग मोशन में एंड उसे अपनी फिंगर्स से ब्लेंड कर ले रही हूँ। ये बहुत ही ईजीली ब्लेंड हो जाता है, आप चाहें तो इसे ब्लश ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं। देन मैं मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ इन दी शेड 220 नेचुरल बेज। सो इसे मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी एक पाउडर ब्रश की हेल्प से। मैं अपने पूरे फेस को सेट कर रही हूँ इस कॉम्पैक्ट से एंड आप चाहें तो पाउडर ब्रश या ब्लश ब्रश यूज़ कर सकते हैं। इस कॉम्पैक्ट के साथ जो पाउडर पफ आता है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं एंड अगर आप एक ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने में ज़्यादा कम्फर्टेबल हैं तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी सेट कर सकते हैं अपने पूरे फेस को। सो आप जो भी प्रोडक्ट फेस पे अप्लाई कर रहे हैं उसे अपने नेक पे भी अप्लाई कर लीजिए ताकि आपका फेस का और नेक का टोन सेम रहे। देन मैं पर्पल का आईब्रो पैलेट यूज़ कर रही हूँ इन दी शेड डार्क क्रेसेंट। दिस कम्स विथ अ स्पूली ब्रश। सो ये एक 2-in-1 ब्रश है, इसमें एक साइड पे आपको स्पूली मिल जाएगा, एक साइड पे एंगल्ड ब्रश मिल जाएगा। सो पहले मैंने अपने ब्राउज को कोम किया देन मैं लाइट ब्राउन शेड से अपने ब्राउज को फिल इन कर ले रही हूँ। इसमें एक लाइट ब्राउन शेड है एंड एक डार्क ग्रेश ब्लैक शेड है। सो मैं अपने ब्राउज को फिल करने के लिए ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ एंड मैं कोई बहुत ज़्यादा शेप नहीं बना रही हूँ, जहाँ पे भी स्पार्स एरियाज़ हैं मैं बस वहाँ पे फिल इन कर ले रही हूँ। सो आपको जिस टाइप की इंटेंसिटी चाहिए अपने ब्राउज़ के लिए आप उस हिसाब से शेड्स चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डार्क रखना है तो आप ब्लैक कलर यूज़ कर सकते हैं जो कि इसमें दे रखा है। मुझे थोड़ा नेचुरल ही रखना था तो मैंने ब्राउन शेड यूज़ किया है। देन मैंने स्पूली से ब्रश कर लिया है अपने ब्राउज़ को फिल इन करने के बाद। देन मैं ब्लू हेवन का काजल प्लस लाइनर डुओ यूज़ कर रही हूँ। इसमें से मैं आईलाइनर पेन यूज़ करूँगी अपने दोनों आईज़ पे विंग टिप क्रिएट करने के लिए। सो अभी मैं अपने दोनों आईज़ पे विंग लाइनर क्रिएट कर रही हूँ।
तो मैं मिडिल से स्टार्ट कर रही हूँ एंड देन इनर कॉर्नर में काफ़ी थिन रख के आउटर कॉर्नर में थिक रख ले रही हूँ। सो आप इसे अपने लैश से बहुत क्लोज़ रखिएगा जब इनिशियली आप स्टार्ट कर रहे तो, एंड उसके बाद आपको जितना थिक चाहिए आप उतना थिक कर सकते हैं। देन इसके बाद मैं मेबिलीन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, ये वाटरप्रूफ वेरिएंट है एंड इसे बस मैं अपनी अपर आई लैशेज़ पर कोट कर लूँगी। इसके बाद मैं नायका सोमैट से स्कारलेट सायरन शेड यूज़ कर रही हूँ, ये एक प्रॉपर रेड शेड है, कूल टोन रेड है एंड ये मेरा आउटफिट से मैच कर रहा था सो मैंने इसे यूज़ किया है। एंड इसकी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है, आप चाहे तो एक सॉफ्ट लुक के लिए अपने फिंगर से थोड़ा ब्लेंड भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, सो इफ़ यू लाइक दिस लुक देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट। एंड आप कॉमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये लुक कैसा लगा एंड आप और किस टाइप के लुक देखना चाहेंगे। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू।